हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टकट ट्रिक यूज इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स आप जानते ही हैं कि इंटीग्रेशन में जब हम अप्लाई करते हैं तो फंक्शन इनटू में पड़े होते हैं, तो उनकी इंटीग्रेशन जब हमें फाइंड आउट करनी पड़ जाती है तो वहां पर हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। तो बाय पार्ट्स को जो पुराना लगाने का मेथड है, जरा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पुराना मेथड क्या था। कि हमारे पास अगर दो फंक्शन होते थे, उनकी इंटीग्रेशन हमने पता करनी होती थी, वन एंड टू फंक्शन होते थे, तो वहां पर हम क्या करते थे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अगर कर रहे हैं तो वही आएगा, एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इन दोनों का जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर आपने दोबारा से इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो नो डाउट ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है स्टूडेंट के चेहरे पर, ऐसे ही आपके चेहरे पर भी वहां पर क्वेश्चन मार्क की एग्जाम में बन जाते हैं कि आप कैसे इनको अब सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी हमें शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि बाय पार्ट्स वहां पर अगर हम अप्लाई करने लग गए तो वहां पर तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि आज हमने एक शॉर्टकट तरीका सीखना है जिससे हमारे बाय पार्ट्स जो तरीका है उससे हमारी इंटीग्रेशन का आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे शॉर्टकट ट्रिक की तरफ कि क्या है वो शॉर्टकट ट्रिक जिससे हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको आज सिखाने वाला हूं बेटा, मेथड का नाम है डीआई मेथड। ठीक है, बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक है ये बाय पार्ट्स के लिए, मैं बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं आपको आज, ये बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, डीआई मेथड इसको हम बोलते हैं। डी का मतलब होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी का मतलब हमारे पास डिफरेंशिएशन है, और आई का मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये हमारा आज डीआई मेथड हम फुली डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा डीआई मेथड है। तो डीआई मेथड में हम चलते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक सिंपल ही एग्जांपल आपके लिए चुनता हूँ कि उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक्स इंटू ई एक्स है। ठीक है, या फिर चलिए एक्स स्क्वायर लगा लेते हैं, ई एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन पता करनी है। ठीक है, अदरवाइज हमने इसके ऊपर अगर बाय पार्ट्स लगाना होता तो हमें पता है कि हमें इलियट के अकॉर्डिंग रूल को अप्लाई करना पड़ता है। ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा है, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो हम इसके ऊपर सब्जेक्टिव नहीं आज शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो हमने बेटा करना क्या है, इसको करने का सिंपली मेथड जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डी फॉर इंटीग्रेशन, आई फॉर हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन। तो इलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपने बना लेना है इसका। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये वाला है और सेकंड फंक्शन आपके पास ये वाला है इसका। ठीक है, तो आप क्या करिए, फर्स्ट फंक्शन की आपने डेरिवेटिव ले लेना है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, टू एक्स। टू एक्स के बाद दोबारा फिर डेरिवेटिव लेंगे, कितना आएगा, टू। उसके बाद दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, टू का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो। जब जीरो आ जाए डेरिवेटिव को आपने वहां पर छोड़ देना है। इंटीग्रेशन की तरफ बढ़िए, उसके सामने लिखे e की पावर x, e की पावर x की इंटीग्रेशन लेंगे, उससे नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x, दोबारा फिर इंटीग्रेशन ली e की पावर x, और दोबारा फिर इंटीग्रेशन ली, तो कितना आ गया, e की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन चेंज नहीं होती, एज इट इज रहती है। उसके बाद आपने साइन की तरफ बात करनी है। साइन आपने कैसे लेने हैं, सबसे पहले आपने प्लस का साइन लिखना है यहाँ पर सामने, फिर लिखना है माइनस का, फिर लिखना है आपने प्लस का साइन, फिर लिखना है आपने माइनस का। प्लस माइनस रूल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अपने आप को चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इजीली इसके आंसर आ जाते हैं, बहुत ही इजीली। आपने देखिए क्या करना है, मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर आप ना इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करना है, मल्टीप्लाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ये वाला ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपने, जैसे मैंने आपको एरोज बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपने ऐसे ही इनको करना है। तो अभी देखिए कितना होएगा, एक्स स्क्वायर को ई एक्स के साथ करना है, एक्स स्क्वायर को ई एक्स के साथ करना है, इसको एक ब्रैकेट में रख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला टू एक्स को किसके साथ करना है, ई एक्स, और सामने साइन कौन सा है हमारा, ये वाला साइन कौन सा है, माइनस का, बीच में माइनस का साइन रखिए। टू एक्स को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ई की पावर एक्स के साथ। अगला साइन कौन सा है हमारा, अगला साइन हमारा है प्लस का साइन, और मल्टीप्लाई किसको करना है, टू इंटू ई एक्स को, टू इंटू ई एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो दैट्स इट, ये हमारा बेटा आंसर है, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस टू एक्स
माइनस टू एक्स ई एक्स प्लस टू ई एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो कहां पर आपने बाई पार्ट अप्लाई करनी थी, फंक्शन के अंदर फंक्शन होना था, दोबारा फिर इलेट रूल अप्लाई होना था, फिर जाके आपकी इंटीग्रेशन आनी थी। तो देखिए आपका कितनी जल्दी आंसर आ गया है, बहुत ही इजी ट्रिक है अगर आपने इसको एप्लीकेबल करके आंसर निकालने हैं। तो डी आई मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर यूजिंग इन बाई पार्ट शॉर्टकट। ओके, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको फॉलो करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपने इसको करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल फॉलो कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन था, हमारे पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स था जिसके ऊपर मैंने क्या करना था, बाई पार्ट अप्लाई करना था। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन था और ये हमारा सेकंड फंक्शन था। दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज अवर सेकंड फंक्शन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने बेटा हमारा डी आई मेथड के अकॉर्डिंग हमने अपवर्क में हमारे लिए एक बॉक्स बना लेना वहां पर। ठीक है, वहां पर अप्लाई करने के बाद एक पार्ट हमारा डी के अकॉर्डिंग आना है। ठीक है, और सेकंड पार्ट हमारा किसके अकॉर्डिंग आना है, इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आना है। थर्ड पार्ट में हमारे साइन डिस्कशन होने हैं। ठीक है, तो चलते हैं उनकी तरफ। हमारा क्वेश्चन में हम वापस आते हैं। हमारे पास डी है हमारा फर्स्ट फंक्शन और आई है हमारा सेकेंड फंक्शन यानी कि कॉस एक्स, और यहाँ पर हमने साइन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, अगला कितना आएगा 2x, 2x का अगला डेरिवेटिव कितना होगा 2, फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे कितना आ जाएगा 0, cos x को एज इट इज लिखिए, cos x की इंटीग्रेशन लेनी है, cos x की इंटीग्रेशन अगली क्या होगी sin x। ठीक है ना, और sin x की इंटीग्रेशन कितनी होगी माइनस का cos x, माइनस cos x की इंटीग्रेशन अगली क्या होगी माइनस का sin x। ठीक है, और sin क्या बिहेव होने हमारे पास, sin बिहेव होने हैं प्लस का माइनस, प्लस का साइन और प्लस का साइन माइनस का साइन। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, मल्टीप्लाई हमने करना है ऐसे एरो वाइज, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इसको मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करना है, और सामने साइन जो होंगे उनके साथ बिहेव करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा इस क्वेश्चन में हमारे पास, हमारे पास आएगा सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आई, अगला साइन कौन सा आया माइनस का साइन लिखा, मल्टीप्लाई किसको करना है 2x को माइनस कॉस एक्स के साथ, 2x को मल्टीप्लाई करना है माइनस के कॉस एक्स के साथ। तो यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में साइन को चेंज कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है 2 को माइनस साइन एक्स के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है माइनस के साइन एक्स के साथ। तो माइनस का साइन यहाँ पर आ गया आपका, प्लस का सी लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ले चुके हम, एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस टू एक्स कॉस एक्स और माइनस टू साइन एक्स प्लस सी। सो दैट्स इट, ये हमारा बेटा क्या है आंसर है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस सी। तो अगर आप इसके ऊपर बाई पार्ट अप्लाई करने लग जाते तो आपका आंसर जो आना था नियर अबाउट आपका 4 मिनट 5 मिनट या 6 मिनट आपके वेस्ट हो जाने। तो यहाँ पर डी आई मेथड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, सेकंड्स में आपके आंसर आने वाले हैं, सेकंड्स। हार्डली आपको क्वेश्चन करने में 15 से 20 सेकंड भी नहीं लगने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप डी आई मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हो, बाई पार्ट अप्लाई कर रहे हो वहां पर, तो आपके क्वेश्चन सेकंड्स में वहां पर सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपने पुरानी मेथड से करना है तो सब्जेक्टिव जब आप पेपर अप्लाई करोगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पर अप्लाई करना है तो वहां पर वैसे ही अप्लाई करना है, लेकिन आप रफ वर्क में अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि आपका बाय पार्ट्स के साथ आंसर सही आया था या नहीं आया था। और अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो तो फिर तो बेटा ये आपके लिए एक बहुत ही रामबाण, जो मैंने आपको ट्रिक बता दी ना, ये वो ट्रिक है आपके लिए। ठीक है, तो सेकंड में आपके आंसर आने वाले हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।